हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज खरात। वेलकम टू द चैनल ऑफ गेनर गुरु। आज हमारी कंपाउंड मूवमेंट की सीरीज की सेकेंड एक्सरसाइज है बारबल बेंच प्रेस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारबल बेंच प्रेस एक सेकेंड कंपाउंड एक्सरसाइज है। ये हमारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पे वर्क करता है। जो कोई भी बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग में एंटर करना चाहता है उसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है। बारबल बेंच प्रेस करते वक्त तो प्रैक्टोलिस मेजर ही नहीं, उसके साथ ही साथ एंटीरियर डेल्ट, ट्राइसेप और स्टेबिलाइजर मसल भी यूज होते हैं। बारबेल बेंच प्रेस एक पुशिंग एक्सरसाइज है। तो अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट, ये आपके अपर बॉडी के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। सेकंड, ये आपके अपर बॉडी को स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, ये आपके सेरेटस एंटीरियर को रिलेट करता है। फोर्थ, ये आपके बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फाइव, ये आपके ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग करता है। और सिक्स, ये आपके पेक्टोरिस को बिग और स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब हम बात करें बेंच प्रेस की परफेक्ट सेटअप और पोस्चर के बारे में, किस एंगल में बेंच प्रेस को लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले हमारा आता है फुट प्लेसमेंट। ये हमको बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा आगे की तरफ भी नहीं रखना है। इसको हमें स्क्वाट वाले एंगल में रखना है जिससे हमारा ग्लूट्स का एक्टिवेशन अच्छे से हो पाए। सेकंड जो हमें आ रहा है कि हमें बैक को आर्च करके रखना है। उसके बाद हमें कोर को पूरा टाइट करके रखना है, इंगेज करके रखना है। फोर्थ जो हमारा रहता है, हमें लैट को अच्छे से लोड करना है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारी ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग हमें बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं रखना है। इसमें हमारी ग्रिपिंग शोल्डर से थोड़ा बाहर रहेंगी। और सेकंड पॉइंट आता है, बहुत से लोग इसको रिस्ट को मोड़ के रखते हैं, तो हमारी रिस्ट नेचुरल एंगल में रहेंगी और स्ट्रेट रहेंगी। और थर्ड पॉइंट आता है हमारे रॉड का। रॉड हमारे आँखों के ऊपर की तरफ रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड सीरीज के साथ।